आप लोग ड्रामा खत्म हो गया, फोटो ले लो। 1 2 3 स्माइल। दीप्ति तुम ठीक हो ना? I swear, मैं ना आर्टिस्ट हूँ आर्टिस्ट। Do you wanna lie? Do you wanna lie? 'Cause this is dynamite. 'Cause you're gonna be high as a kite. क्या यार तू ऐसे मुंह बना के बैठेगी तो कैसे चलेगा? अपने माँ नंदू, तुझे कैसे पता कि he will be happy with him? नहीं पता? Then what, अद्दू? तुझे कैसे पता कि while crossing the road you won't get hit by a truck? Seriously? You're comparing marriage to getting hit by a truck? I'm talking about uncertainty, अद्दू. कल क्या होगा किसको पता? But Bhavik Bhosle, I know him and he's like heart. Aditi, Nandu, jaldi maro yaar, hurry up. Shashi ko susu aayi hai. Fuck off, Jatin. You fuck off, Ranaut. Sab log Nandu ka wait kar rahe niche. Tum log kar kya rahe ho andar yaar? Just come out already. Tujhe tere muh pe gaali dena acha nahi lagta. जतिन यार, अगर अब तू जाने को बोल रही है तो देन वी शुड रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। चल। Who's ready for some special shots of Nando's nasty egg bomb? Let's go. चले। करवाने का कुछ ना कुछ बहाना निकाल ही लेती है। बट कनूरी आ चली जवाब में जितना सुंदर उतना डेंजरस। What is that supposed to mean? Landslide. Oh please, फिर से ये landslides के बहाने मत बनाना। Okay? And this time you have to keep your promise. Which promise? कि हम हर साल यहाँ वापस आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता है यार, इतनी सुंदर जगह छोड़ के तुम जा भी कैसे सकते थे? नहीं, मैं तो वापस आना चाहता था, लेकिन जब से तुम्हें देख लिया तुमसे बाकी सब भूल गया। से ज्यादा प्यार तुम अपने रेस्टोरेंट के घटिया किचन से करते हो। Oh, really? What are you doing? Showing you how much I love you. We never done it in a car before, right? All right, yeah. I mean, इतनी देरी हो गई है तो दो और मिनट में क्या फर्क पड़ेगा? अदू, come on ना यार, please, मेरे लिए। No, ना अदू, I don't want it. Come on यार, तेरी best friend का दूल्हा आने वाला है, show some respect. मुझे तो तू फोन शशि
क्या? Should I ruin your chances of getting someone else pregnant? अरे विक्रम, अब क्या हो गया? कितनी बार कहा है वोडका के दो शॉट्स ले लो, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। समर, अरे मां ध्यान से, मेरा बच्चा कैसा है तू? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। सीढ़ी ठीक नहीं करवाई अभी तक? कुछ चीजें कभी ठीक नहीं होती ना। ओ दीदी, एक्चुअली ये सिगरेट पीती है? भैया एक्चुअली मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर अब सिर्फ चुपके चुपके। गुड गुड। और क्या क्या नया शौक लेकर आए हो बड़े शहर से? अरे आप भी ना। अरे क्यों? तुम पीते हो क्या? तुम्हारे वो व्हाट्सएप ग्रुप की औरतें हैं, वो पीती है क्या? तो हर्जी क्या अम्मा, लाइटर वापस करो प्लीज। नहीं एक्चुअली मम्मी आप रख लीजिए, मेरे पास बहुत है। लाइटर्स का शौक है ना मेरा। स्वीट। और समर, बाकी सब ठीक? मतलब आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद फिर बीवी के साथ ढाबा खोलना, घर जमाई बनना, खुश तो हो ना? भाई बहुत जल्दी शुरू हो गया ना। एक्चुअली भैया हम दोनों रेस्टोरेंट एक साथ चलाते हैं, वी वर्क टुगेदर एंड हम खुश हैं। गुड 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 गुड, टाइम फॉर मी टू रिटायर। अरे सोनाली, ये पब्लिक के सामने यहाँ पे ना सिगरेट प्लीज। वो क्या आप लोगों का पता नहीं, लेकिन हम लोग की थोड़ी बहुत इज्जत है यहाँ पे, फालूदा हो जाएगा। वैसे भी हमारे घर में मतलब औरतें सिगरेट नहीं पीती। अब तो सब सो चुके होंगे घर। हाय समर चाचू। यार शशि सिगरेट। सरप्राइज, यकीन ही नहीं हो रहा है। आई शशि, ओह माय गॉड, सोनाली चाची राइट? या यू आर सो यंग एंड गॉर्जियस। मैं आपको चाची कैसे बुलाऊं? आदिति, तुमने ही कहा मुझे कि तुम्हारी चाची हमसे भी ज्यादा हॉट है। शशि चश्मे दे अपने। अरे नंदू, तुम्हारे लिए तो आया हूँ। समर चाचू, आप नंदू की शादी थी, मैंने तो आना ही था। ऑफ कोर्स नंदू की शादी पूरे कनूरी के लिए कितना बड़ा खुशी का मौका है ना शशि? मुझे तो इनवाइट भी नहीं किया। चल फटू शशि, ऑफ कोर्स इट्स सच अ बिग मोमेंट। आदिति आदिति स्टॉप इट। चाचू आपको पता है पापा ने ही तो सारा सेटअप करवाया, इंजरी के बाद से ये आर्मी कर्नल से आर्मी मैचमेकर बन गए। That's enough. Go to your room. Come on. क्यों? Because I'm telling you. गुस्सा। पर मैं तो आ रही थी, वो शशि ने रोक दिया। मैं अंकल, कुछ
भी बोले जा रही है अंकल ये तो। इनफैक्ट जब से अंकल टॉयलेट से निकले ना तब से कुछ भी बोले जा रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो टॉयलेट में साथ में? कुछ नहीं अंकल, मैं तो खड़ा हुआ था बस, और शी वाज ऑन हर नीज, तो इसके मैंने बाल पीछे से पकड़े हुए थे क्योंकि शशि शशि इट्स ओके यू कैन स्टॉप। नहीं वो बाल इसलिए पकड़े थे शशि क्यों? शशि बस अद्दू, तुम एक जगह पे खड़ी रहो, तुम्हें देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। कम ऑन लेट्स गो टू योर रूम। अरे भैया तुम बीच में मत बोलो भैया, उसको लग रही है। मैं तुम्हें ठंडा चलाना सिखा दो क्या? नहीं ना, मेरा घर चलाना मत सिखा मुझे, सो डोंट क्रॉस द लाइन। डैड आठ साल के बाद आया तो रूम थी। मैं अपने रूम जा रही हूँ। I anyways don't want to be here. You never want to be here, Aditi. Of course I don't. हालत देखिए यहाँ की आपने. Who would? तुम तो मेरे से बात कर समझी? और आप जैसे चाहे करते रहेंगे. Enough of this nonsense. Go to your room. Aditi. I'm fine. Fine. चाचू वेलकम होम, एंड चाची आई एम रियली सॉरी कि ये आपका ससुराल है। रात बहुत हो गई है, सो जाए। सब एक दूसरे से मिल लिए, अब सबको नींद आएगी। गुड नाइट। सुबह सुबह सोने की एक्टिंग क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। नहीं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह किसी से बात करने का मूड नहीं होता है। तो क्या करने का मूड करता है? Is this the first time you're taking on this bed? Yeah. एक सोल्जर के लिए सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन एंड फोकस। आज हम लोग फोकस पे फोकस करेंगे। मेरे हर विसल पे आप लोग लेग स्विच करोगे। Is that clear? Yes, sir. Position. Pull it down. Pull it up. Baby. Soldier down. Soldier down. It's okay. Tell the soldier ki night shift bachi hai. You know, I say I forgive you. Forgiveness वाली क्या बात है यार, इतनी distraction है। Nice. I forgive you for not bringing me back. कल रात के बाद जो कुछ हुआ है, I understand. भैया हमेशा से ऐसे नहीं थे यार। अरे जाने की क्या बात है यार? अरे मैं टूथपेस्ट के लिए जा रही हूँ, जल्दबाजी में मैंने पैक नहीं किया। सोल्जर्स बैक इन एक्शन। मैं टोल्ड सोल्जर ना। किसे पूछूं? चेक विद अदिति ना, सामने उसका कमरा। ये वो नाश्ता रेडी है? ओके आजा। कहा था ना खेलेंगे, मेरी मेहनत बेकार नहीं रह सकती। अरे गीता फ्लावर्स को छोड़ना, ये बता मैं क्या सुन रही हूँ? समर वापस आ गया है? हाय, अभी भी उतना ही हॉट है क्या? सिंगल हो तो बता, मेरी बुआ की लड़की है ना, मस्त माल है। बीवी से ज्यादा नहीं। भाभी मैं बाद में फोन करती हूँ। कहाँ रह गया बिम्मी? सरा पूछियो कहाँ रह गया। मम्मी जी। अरे मुरारी, अरे इतनी देर में संजीवनी बूटी मिल जाती ला। दादी एकदम कड़क माल लाया हूँ, जोड़ों का दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। मुझे मालूम है, चल चल। अरे दादी सच्ची आपके
जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा। चाची, थैंक यू। वेलकम। चाची, आई एम रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट। जो कुछ भी हुआ, आपको वो सब देखना पड़ा। नॉट रियली एन आइडियल ससुराल वेलकम, राइट? इट्स ओके अदु, सारे घर ऐसे ही होते हैं। प्लीज चाची, दिस फैमिली इज तो टोटली डिसफंक्शनल। फैमिली सिर्फ घर के बाहर फंक्शनल होती है अदु, यू लर्न दैट एज यू ग्रो अप। बट लुक एट यू एंड समर चाचू, आई मीन चाचू को आमी नहीं अच्छा लगा तो ही लेफ्ट एंड देन ही मेट यू, और आप दोनों साथ में इतने खुश हो, दैट्स हाउ अ फैमिली शुड बी। जो लोग अपनी दिल की सुनते हैं ना, वो हमेशा खुश रहते हैं। थोड़ा चीज़ी हो गया। God, I just told you, listen to your heart. थोड़ा सा। But चाची, दिल की सुनना doesn't always work out. No, but neither is living with regret, no? Try करने में कुछ जाता है क्या? I'll see. Look what I got for you. Gita. Gita. एक मिनट। अभी आ रही होगी। आदिति कहाँ? बस अभी आ रही है। सुबह से वॉट कर रही है मुझे। वो जानती है ना, सबके सामने बात नहीं कर पाऊंगा मैं। और कल रात वो भी तो सबके सामने हुआ था ना। लग रही हो, पर मैं सोच रही हूँ कि तुम इतनी सुंदर बन के शारन में कैसे जाओगी? शारन? शारन। आप तो बंदूक के डर से भाग गए थे लेकिन कटार में फंस गए। मुझे पता है इन्होंने क्या दिया। क्या गिफ्ट? कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ओ मैडम आए आए आए, नंदी सर से मिलाइए। हाँ जी। नंदू, डू यू वांट अ लाइट? डू यू वांट अ लाइट? सीरियसली, बिकॉज़ दिस इज डायनामाइट, यू आर गोना बी हाई एज अ काइट। ये तेरा माफी मांगने का तरीका है? कम ऑन नंदू, बस थोड़ी चढ़ी हुई थी यार, थोड़ी चढ़ी हुई थी। अद्दू, आज मेरे लिए सब कितने खुश है। समर चाचू 8 साल के बाद सिर्फ इस दिन के लिए आए हैं, और तू एंगेजमेंट के दिन से कितनी वियर्ड बिहेव कर रही है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू यार? अच्छा, सो यू सीरियसली डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? नो, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ यू अद्दू। क्या प्रॉब्लम क्या है? टेल मी, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। टेल मी अद्दू, व्हाट द हेल इज योर प्रॉब्लम? व्हाट डू यू वांट? अच्छा हुआ समर और तुम लोग आ गए। मारो। हाँ, आई वांट यू। तुझे पता है
वर्ल्ड की 35% लड़कियां ना बाइसेक्सुअल होती है। कुछ भी बोलती है। अरे सच में, मैंने ना मम्मी के मैगजीन में पढ़ा था, सच्ची। देर देर क्यों? ट्रुथ यार नंदू, पिछली दो बारी से ना तू ट्रुथ ही सेलेक्ट कर रही है। देर कम ऑन, जल्दी खोल। क्या लिखा है? दिखा नंदू, स्टॉप बीइंग अ चीटर। नंदू इज अ चीटर। किस योर ओपोनेंट? योर मैड ओवर। तो फिर मुझे नहीं खेलना ये बकवास गेम। फाइन, इफ यू गोना एक्ट लाइक अ किड। I just can't wait to fall in love. Me too. आप तो बड़े कूल निकले। बच्चों के पापा ने खींची थी किसी लड़की की बीच पे। प्रेम अंजना, दिसंबर 1972। बड़ी शर्लॉक होम्स बन रही है। ये देख विक्रम की फोटो अपने बैचमेट्स के साथ। रीयूनियन मार्च 09। कितना हैंडसम लग रहा है ना। लेकिन ये क्या है? क्या भैया, तुम मुस्कुरा रहे हैं? खुश तो होंगे ही, दो तीन महीने के लिए बाहर गए थे। पहले से विक्रम ऐसा नहीं था। कैसा? खड़ूस। ये देख अपनी अद्दू कितनी भोली लग रही है ना। नंदिता के साथ रह के निकलते हैं। जी आप, आपको कुछ चाहिए था? या कैन आई कम इन? या या ऑफ कोर्स। व्हाट्स दिस अद्दू, सम न्यू संगीत लो क्या प्लानिंग? नो, शादियों में आजकल सब सेम ही लगते हैं, सो आई थॉट व्हाई नॉट ब्रेक सम रूल्स। राइट, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, राइट? नंदू विल लुक सो प्रीटी एज अ ब्राइड, नो? जब मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी ना, गॉड आई वाज सो अपसेट, बस रोती गई रोती गई। मिस नहीं करोगी उसे? ऑफ कोर्स, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। अदू, आई फील लाइक यू गाइस आर मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट डू यू मीन? आई मीन यू गाइस आर मोर लाइक सोल सिस्टर्स, यू नो। हां, वो एक्चुअली वी ग्रोन अप टुगेदर। So, Adu, उस टाइम कमरे में आए। आजकल की लॉन्ड्री वाले कौन तेज करते? All okay? हाँ, वो Adu and I वो बस आउटफिट्स की बात हो रही थी। हाँ, अरे आउटफिट छोड़ो, 12 बजे का पालक का अपॉइंटमेंट था, 12:30 तो यहीं बच गए। चलो अदिति, जल्दी से तैयार हो जा। मामा, मुझे ये नहीं पहनना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। तो फिर अलमारी भरी पड़ी है, कुछ भी पहन लो। कुछ भी पहन लो, लोग जज नहीं करेंगे। लोग तो वैसे ही जज करेंगे ना, डू नो मैटर व्हाट यू डू, बट यू शुड वेयर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तुम अदु, तुम लहंगा पहनो, पापा का सूट पहनो, जो मने है पहनो, लेकिन जल्दी करो। और तुम पार्लर चलो, चलो ना। सो यू लाइक द किड्स? Kids? Yeah, of course. No, generally,
little strange for me. मैं मृदुल को हर साल बर्थडे पे गिफ्ट तो भेजता हूँ, पर it's the first time I met him. And he's like my baby. And I'm sure भैया उसके एक दूसरे की शादी कर. Sad. और अगर उसको नहीं करनी हो तो? मतलब? I don't know. I just feel like maybe Atul's different. You know, उसके भी और भी other plans हो सकते हैं. She might. What plan? मतलब like parlor खोलना? क्यों? क्योंकि लड़कियाँ सिर्फ parlor में काम कर सकती हैं क्या? I didn't mean it like that. I hate it when you talk like this. अच्छा, I'm sorry. तुम बस पप्पू के साथ ज़्यादा चिपके चिपके डांस मत करो. Nah, it could be fun. पप्पू. मैं पप्पू. अच्छी लगी मतलब तुम्हारा भी तो बेटा है भैया अच्छा। वो बिजली वाला आया है तो वो तो क्या करूं लगवा दो ना लाइट जी अगर वो मेरा बेटा होता ना तो वो क्या गाना वो राधा ऑन द डांस फ्लोर उस पे नाचता नहीं विक्रम गाना ही तो है तो ठीक है नाम बदल दो ना मृदुला कर दो नाम ही तो है तुमसे कितनी बार कहा है उसको लड़कियों की तरह पालना बंद करो यार तो तुम उसके साथ वक्त बिता दो शायद उसमें लड़कों वाला गुण आ जाए तीन औरतों के साथ बड़ा हो रहा तो शायद उसको मदद नहीं मिल रही होगी भैया वो पूछ रहा है कि एलईडी वाला लगाना है कि रेगुलर वाला उसको बोलो लालटेन लेके खड़ा रहे वहां पे उस पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो बिल्कुल उस गाने पे नाचेगा नहीं खत्म विक्रम वो तुम्हारा कैडेट नहीं है हमारा बच्चा है अगर इतनी फिक्र है तो उसके साइन लैंग्वेज तो सीखो पूरे घर में तुम ही हो जो उसके साइन लैंग्वेज नहीं जानता हो तो तुम मुझे बाप बनना सिखा रही हो नहीं मैं आपको बाप होना सिखा रही हूँ He really likes the way you laugh, so he's trying to laugh like you. Thank you. लेकिन तुम्हें ये sign language कैसे पता? वो हमारी battalion में one of the soldiers was mute, तो उसके साथ रहते-रहते सीख गया. बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम? और ये तो शुरुआत है. Hey, one second, I'll take this. Hello. अच्छा है खाना बड़ा अच्छा है अच्छा अच्छा
रातों रात काट दी मैंने, स्टेल्थ ऑपरेशन इन एंड आउट, दोस वर द डेज मैन। उसी से याद है सर, आपका ट्रेनिंग कैंप कैसे चल रहा है? किसी तरह आर्मी से जुड़ा रहा हूँ, यही मेरी इच्छा है, बट इट्स गोइंग ऑन फाइन। आई कांट बिलीव द बॉयज नॉटिस। पेडिक्योर मैनिक्योर करा। हाय कृष्ण। गुड इवनिंग मैम। मैम के बच्चे घर क्यों नहीं आते? क्या करूं मैम, सरकारी नौकरी है, आपको तो पता है, पूरा जूस निकाल कर रख दिया। सो एज आई वाज सेइंग, या द बॉयज नॉटिस डू फेशियल, कैन यू बिलीव? हे समर, हाउ आर यू डूइंग मैन? गुड। सो हाउ इज द सिविलियन लाइफ ट्रीटिंग यू ऑफिसर? कांट कंप्लेन। कश्यप, मीट सोनाली, समर्स वाइफ। हाय। हाय सोनाली। कश्यप, ये विक्रम की एडीसी हुआ करते थे, हमारे बहुत ही खास है, बहुत सारा वक्त हमने साथ में बिताया है, हमारे कुनूर वाले ट्रिप याद है? ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ, मुझसे ज्यादा तो इनको याद होना चाहिए, 24 घंटे के लिए घूम गए। घूम नहीं होता, आई जस्ट गॉट लॉस्ट एंड आई हैड टू स्पेंड एन एंटायर नाइट इन अ विलेज। अच्छा, हमें तो लगा था आप हमारे पुराने गानों से बोर हो गए थे। सो एनीवे समर, क्या कर रहे हो आजकल? ढाबा चलाते हैं मुंबई में। रेस्टोरेंट? या श्योर। कभी आओ हमारे ढाबे पे। मैं नंदिता और भाभी को देखकर आती हूँ। मुझे इस साल सिर्फ दो बार ग्लो करवाया, एक रक्षाबंधन पे और एक करवा चौथ पे। वैसे विक्रम अभी भी करते हैं घर चलने साथ हमारे, बीच में सो जाना। ओ भावे, आज मेरी प्रिंसेस जो है वो कवीन बनेगी भावे के दिल की है। ओए जिन्नी मेरी प्रिंसेस है ना, वो उस विक्रम की भी है। ओए लाले, ओए वहाँ की खड़ा, यहाँ आना यार, यहाँ आ जा यार। मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ, ये जो है ना मेरा लाला, मेरा यार विक्रम, इस नंदिता को अपनी बेटी जिन्ना प्यार दिया है। नंदिता जो है अपने घर से ज्यादा इसके घर में पली है, और इसने मेरी बेटी का रिश्ता तय करवाया। आप सब लोग तो मुझे जानते ही हो। पूरा संगीत यही निपटा देंगे क्या? नंदू ने जो गाना रेडी किया भाभी के लिए, वो नहीं सुना? मैं कुछ ज्यादा ही बोलूं? इतना सन्नाटा? ओ यार, पप्पू की बेटी की वेडिंग है, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, नाचो टप्पू गाओ, आओ। ऑल द बेस्ट, पापा को ना इम्प्रेस करके आना, ठीक है? डू वेल। नंदू, ये क्या है? What? You made out with Bhavik? Yeah. Now just fix my mic. Ouch! देख के यार? क्या देख के? तुझे कुछ दिखाई देता है? Listen, Adu, now is not the time. So then when? After your honeymoon is over. Oh, I'm so sorry. You're so eager to jump in bed with that prince lady. So let's just fucking jump now. सबसे पहले आ रहे हैं हमारे फैमिली के सबसे छोटे पर सबसे क्यूट मेंबर, विक्रम भैया के बेटे मृदुल रनावत। तालियां।
सुनना, कैन आई किस यू? एटलीस्ट तुझे भी पता चल जाएगा मुझे क्या किसी नहीं बैठा और है. व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? स्नैप आउट ऑफ इट. से इट नथिंग. से दैट इट मीन नथिंग टू यू. हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था. रॉन्ग. इट वाज लव. सारे हैंगआउट्स, स्लीपओवर्स, ग्रोइंग अप टुगेदर, जिसके बारे में पप्पू चाचा से लेके कनूरी के हर एक इंसान को पता था. एंड यू आर सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज अ फेज. इट वाज अ फकिंग फेज. मेरी शादी हो रही है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट. नाउ इफ यू आर डन, कैन आई प्लीज गो ऑन स्टेज? तो ठीक है, लेकिन अब हम सबको मरने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, अंधेरे में दिखा नहीं शायद वो. जरा संभाल कर. I told you, fuckface, to stay away from me. Listen, you bitch. हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था और ना कुछ कभी होगा. समझी? अरे भाविक, रुको. अभी अभी तो खाना भी नहीं खाना. मेरा खाना और ना ही शादी करनी तेरे घर में. अंकल अंकल प्लीज, वो पागल है, शी इज ड्रंक. मुझे मुझे भाविक से शादी करनी है. एंड अंकल मुझे लड़के ही पसंद है, पापा की कसम. सुन के तो ऐसा लगता नहीं है. सच तो कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है. आप लोग रुक जाइए, रुक जाइए आप लोग. चल रुक गया. पहले इस बात की गारंटी दे कि शादी के बाद तेरी बेटी लड़कियों को पप्पी करती नहीं घूमेगी. क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? जो मुंह में आया बनाप शनाप कहते जा रहे. ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अरे अदिति तो मेंटल है. अच्छा, हाँ, मेंटल है? हाँ, हाँ, आजकल की लड़कियां जो है ना, आपस में जलन और इतना अच्छा लड़का मेरी बेटी को मिल रहा है और लोग तो आपस में कुछ बात तो करेंगे. ओए, पप्पू, बड़ी जल्दी साइड बदल लिया तूने. अभी तो बड़ी बड़ी हाक रहा था, अदिति नंदिता बेटी ऐसी है वगैरह वगैरह. क्या हुआ अभी? मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसके विवाह का सवाल है, तो बीच में मत बोल. तो तू बोल ना. लेकिन बोल क्या रहा है तू? मेरी बेटी मेंटल है, हाँ, जलस है. मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो. कहाँ मैं बोल रहा हूँ? अपनी बेटी को तो नहीं कुछ संभाल सका? अपनी लंगड़ी टांग मेरी फैमिली मैटर्स के बाहर. इंसान से कम होश. हाउ डेयर यू? भाई साहब, भाई साहब, एक सेकंड. मैम, मैं बात करूं? नहीं नहीं, मैं फोन करती हूँ. वाह लाले, वाह, दिखा दी तूने अपनी औकात. मुझे कोई कर्नल नहीं चाहिए मेरे फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने के लिए. ये सच बात है कि तूने मुझे हर जगह हेल्प की है. बस कर यार, ओ बस कर, अब बहुत हो गया. जा यहाँ से लाले. Yeah.
उसको बोलो रोना बंद करे या गाड़ी से उतर जाए। तो रोक दो ना गाड़ी। वो मेरा डिसीजन है, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, रुकना नहीं रुकना, ये मेरा फैसला है। इंस्पेक्टर जी सर, ये प्रॉब्लम क्या? सर आगे लैंडस्लाइड का वार्निंग आया है, करीब 2-3 घंटा ट्रैफिक होल्ड करना पड़ेगा। भैया अगर रुक ही रहे हैं तो फिर कहीं खाना खा लें क्या? वो संगीत पे भी अब भूख से भी मरने का क्या फायदा। पानी मंगवा? जहर मंगवा लो। ऐसा भी क्या ड्रामेटिक होना? मैं ड्रामेटिक हो रहा हूँ? तुम्हारी बेटी को देखो, अदिति, 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 कम यहाँ, बैठो। जो कुछ भी हुआ ना, उसको भूल जाओ, है ना? कुछ दिन आराम से बैठो घर पे। Try and re-evaluate your life. मतलब go out, meet some boys. तुम्हारे भी तो शादी करानी है, है ना? No way. Now will you? Don't test my patience, okay? नहीं तो क्या कर लोगे आप? हाँ? क्या कर लोगे? I'm not one of your cadets, Dad. भैया तुम बीच में मत बोलो। तुम यहाँ सिर्फ guest हो। बोलना मत। और तुम volume कम रखो। Public place है। चाचू आप यहाँ पे आई क्यों हो? वापस चले जाइए ना, और प्लीज साथ में मुझे भी ले जाइए। अदिति देयर इज नो पॉइंट डूइंग दिस। आपसे अच्छी तो ये है एटलीस्ट कोई तो मुझे इस घर में अपनी मन की करने की एडवाइस देता है। अदू मेरा मतलब बस ये था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तो सारे आइडियाज यहां से आते हैं। मैं भी सोच रहा था कि समर मतलब है? अपनी वाइफ को हमारी लाइफ में लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भैया। जस्ट प्लीज नहीं, आप दीजिए आइडियाज, दीजिए क्या इन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे भी आर्मी छोड़ के इन्होंने पहले ही अपनी इज्जत की तो कर दी ना नीलामी। What? अब जो बची कुछ अरे जगह पैर जो बची कुछ इज्जत है ना उसकी नीलामी आपकी वाइफ कर देगी। प्रॉब्लम क्या? मरा हो गया, गेट आउट। तो सबके हो गए होंगे फैसले वगैरह, है ना? गुड, क्योंकि आज के बाद मैं फैसले लूंगा और सभी लोग फॉलो करोगे। सभी लोग साहब, खाने में क्या मंगवाओ? मुझसे क्या पूछ रहे हो, इनसे पूछो। लेकिन अभी आपने कहा ना कि सारे फैसले आप ही लोगे। मुझे अद्दू दीदी के बारे में पता था। सोच ये सब जो हुआ तुम्हें उनके मैटर में घुसना ही नहीं चाहिए था। तुम किस बात की सॉरी बोल रहे हो? भैया को भी लगा था ना कि मुझे घुसना नहीं चाहिए था। हाँ इट्स ओके, एटलीस्ट मेरी वजह से the brothers finally agree on something. Whoa! Oh, I'm sorry. Did I hurt you? Of course. Oh, poor Samar. I said I'm sorry. For what? For not clapping and bhaiya was sunai nahi back there. Sonali, tum bhaiya ko nahi janti. Bhaiya kya? Main to tumhe bhi nahi janti hu.
The summer I'm married would have never let anyone speak to me that way. Sonali, तुम इन लोगों से पहली बार मिली हो. You have no idea how I've dealt with them all my life. Oh, you've dealt with them. Oh, all right. तो 8 साल पहले तुम घर छोड़ के भाग गए थे. 8 साल से तुम अपनी फैमिली को मिले नहीं हो. And you call that dealing? Oh, you know what? Speaking about a family, every time I talk about starting a family, you run away from that too. You ran away then, you're running away now. It's just what you do. What's going on? Why don't you want to have a child? You don't think I'm fit to be your mother? Why would you say? ये कौन सी बात कहाँ जा? None of this is my fault, Sonali. My fault. I never said that it's your fault. Okay. Listen. You know what? Just let it be. Let it be. No. Let it be means let me be. All right? बाहर सोफा है, यहाँ तक क्या है? Go. Go. मेरा घर. सोफा भी तुम्हारा है. Go. अरे भाभी भाभी क्या कर रहे हो? तो और क्या करूं? इससे क्या होगा? अदिति से बात करूं? बात करने से सारी मुश्किलें हल होती है क्या समझ? Everything is going to be all right, भाभी. लास्ट टाइम मैं स्पेन गया था, बार्सिलोना में एक रात दो लेस्बियंस के साथ. उफ, अगली सुबह दोनों 100% स्ट्रेट. Courtesy of Junior Malhotra. Karna साहब कहे ना, so I can help, bro. दादा, lesbian की रे? अरे lesbian मंजे जो लड़की लड़की को पसंद करती है. अच्छा. Fifty pull-ups. Let's go. What's so funny, Suraj? Sir, 50 push-ups done. Ah. So, 50 pull... आज सिर्फ स्क्वायर माइल वॉक करेंगे. पके कपल. इतनी आसानी से कैसे निकाल दिया? कैसा? एक दिन किसी चीज के लिए तुम्हें भी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी. मम्मी. मम्मी. मुरारी आया क्या? सुनो ना, आता ही होगा. सुनो ना. कल रात समर भैया सोफे पे सोए थे. क्या बात कर रही है? हाँ, लगा तो था मुझे कि कुछ गड़बड़ है. वे एक दूसरे के साथ कितने खुश है ना. कभी होता है मियाँ बीवी में ऐसा? बच्चे भी नहीं है, पता नहीं. हाँ, खुश तो. हाय मम्मी. नमस्ते आंटी. नमस्ते नमस्ते. ला आंटी, आज माल डबल है. पैसे तो एक के ही मिलेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे. आप रख लीजिए. क्यों अम्मा, खाना रेडी है, सब आ जाओ. तू देख क्या बोल रहा है. इतनी मेहरबानी क्यों? इतनी मेहरबानी क्यों? समर. सोनाली, प्लीज अंदर जाके किचन में मदद करो. गुड गर्ल. गो गो. समर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और सोनाली को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए? देखो ना, हमारा मृदुल कितना स्वीट है, कितनी मदद करता है. तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो रेस्टोरेंट में भी मदद करेंगे. बच्चे चाहिए वेटर? हर चीज के लिए सही वक्त होता है, तुम्हें नहीं लगता? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माँ, इस बात का भी सही वक्त होता है. चल जल्दी से नाश्ता करो, बाकी सब काम. अदिति. गीता, मीट करण. कर्नल मल्होत्रा है ना, उनके बेटे. मीट माई फैमिली.
माय ब्रदर समर हेलो उनकी वाइफ हेलो ये हमारी अम्मा नमस्ते कम लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नो सर आई विल कम लेटर सोल्जर आई नो दिस इज नॉट माय ट्रेनिंग ग्राउंड पर ये मेरा घर तो है सो प्लीज हैव अ सीट कम ओके थैंक यू सर आलू पराठा शी मेक्स द बेस्ट आलू सर आई विल टेक द ऑमलेट समर करण जो है नॉट जस्ट अ सोल्जर इज अ नेशनल लेवल एथलीट ओलंपिक्स की ट्रेनिंग कर रहा है सर व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द स्पेशल फोर्सेस माना कि थोड़ा सा मुश्किल है बट इट्स रियली ऑनरेबल यस सर नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई फॉर द वॉलंटियर्स यस सर सर क्या लगा रखा है कॉल मी विक्रम अंकल गीता अदिति कहाँ सो रही होगी इस वक्त थोड़ी सो रही होगी विवी जरा अदिति को बुलाना कमरे से और नंदिता किस कर रही थी विवी गंजी ये एक्चुअली पापा को तो पता ही था कि हम दोनों के बीच में कुछ तो कॉमन है क्यों है ना पापा दो में हो जाएगा अच्छी क्वालिटी के हैं और एक्सपेंसिव भी हैं आप कुछ कह रही थी डॉक्टर इसको प्लीज ठीक कर दीजिएगा बस यस सर मेरे कार्ब्यूरेटर में ना कचरा फंस गया तो प्लीज ठीक कर दीजिए इसकी बातों पे ध्यान मत देना शी इज जस्ट नॉट थिंकिंग स्ट्रेट एक मिनट नॉट थिंकिंग स्ट्रेट डैड आपको ना स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करना चाहिए यू विल बी ब्रिलियंट विक्रम जी बैठ जाइए जस्ट काम डाउन आप बताइए पहली बार ये कब हुआ क्या किसी लड़की को किस करके अच्छा लगना जी डैड ये मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है जिसमें आप तो कभी आए नहीं वैसे पेरेंट टीचर मीटिंग कहां जाके और अगर आप चाहते हो कि मेरे दिमाग का इलाज हो तो कम से कम मुझे बोलने तो दो पेरेंट टीचर मीटिंग कहां आ गया ताने क्यों दे रही हो मुझे होल्ड ऑन मुझे बताइए ये कैसा सेशन है मतलब अगर आपको मेरे दिमाग को ट्रीट करना है तो हमें अकेले में डिस्कस करना होगा ना या पापा के सामने तो नहीं हां दीदी लेकिन विक्रम जी चाहते थे ओ गॉड एक सेकंड सर डोंट वरी मैं आपके साथ अकेले में कुछ नहीं करूंगी और वैसे भी आपको तो पता ही होगा संगीत के बारे में So I'm sure you know by now कि मैं तो lesbian हूँ। Lesbian नहीं तुम मेरी बेटी हो। Dad मैं दोनों चीजें एक ही time पे हो सकती हूँ। Okay, okay everyone, just calm down. Let me try this. Why don't you just lie down on the couch? Just lie down. अरे बोल रहे तो lie down ना। Just lie down, have some few breaths, just chill. अब मुझे बताओ कि कितने साल की थी तुम जब? नंदिता को किस किया? हाँ। 14 साल की उम्र थी मेरी और हम सब फ्रेंड्स एक पार्टी में थे पार्टी कौन सी पार्टी जहाँ पे सारे फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड नहीं 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 14 साल की उम्र में कौन सी पार्टी थी और वहाँ पे हमने अपने बॉयफ्रेंड मम्मी को पता है सब कुछ काम डाउन विक्रम जी हाँ तो वहाँ पे नंदिता भी आई थी एंड वी बोथ गॉट टू ड्रंक तो उसी रात को मुझे पता चल गया कि मैं अब तो पूरे शहर को पता है डॉक्टर इसका कोई इलाज तो होगा ना डेफिनेटली आई पे हाँ व्हाट आई मीन टू से इट कैन बी अ फेज नो या जस्ट लाइक अ रेबेलियन जैसे कि ये कपड़े ये बालों का स्टाइल टाइम कैन बी अ ग्रेट हीलर नो या या इट कैन बी अदिति कहाँ बेटा नहीं नहीं आप दोनों आपस में बैठ के आराम से क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि मेरे दिमाग में क्या प्रॉब्लम है मुझे किस इलाज की जरूरत है मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कुणाल और रोहन इन दोनों ने भी मेरी मदद करने की कोशिश की थी एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड्स थे दोनों और मैंने दोनों को किस भी किया लेकिन कुछ चीजें आपको आपके बारे में पहले से पता होती है जैसे आप देखो आप फिट नहीं हो तो What? आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत है उसी तरह से मुझे भी पता है कि मैं लेस्बियन हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है ना ही आपकी और ना ही आपकी डैड ब्रेन स्कैन से कुछ फायदा हो सकता है ना काकी
अम्मा मेरी किताब देखी क्या? लाते हो गई सफाई किसी तरह। कौन सी किताब ढूंढ रही है? अरे वही जिसमें ग्रे कलर के कपड़ों के कुछ 50 शेड्स के बारे में लिखा है। हाँ वो, उसपे ब्लैक व्हाइट ग्रे कोई कपड़ा ही नहीं पहनता है? हाँ मिसेस बरानी, बस अभी मैं निकल रही हूँ। गीता एक्चुअली कुछ दिन के लिए बुक क्लब मत आओ। नहीं, इट्स ऑल राइट, थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाभी बताओ ना उस किताब में कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? ओफो, कौन सा नया सियापा है? घर के सारे खिड़की दरवाजे खोलो। भैया अभी तो डस्टिंग की है। आज के बाद इस घर के सारे दरवाजे सारी खिड़कियां खुली रहेंगी। अगर ये घर खुला होता ना पहले से, तो मेरी बेटी 14 साल की उम्र में लेस्बियन नहीं बनती। इसके बारे में बाद में बात करें? हाँ, एक ही राजा तुम्हारे पास, हर बात के लिए बाद में बात करते हैं। विक्रम विक्रम आराम से, बाहर के लोग सुनेंगे। आर्मी वाले के घर को ये शोभा देता है क्या? कैसा आर्मी अम्मा, मैं तो फर्नीचर हूँ इस घर का, टूटी हुई कुर्सी हूँ, पड़ा रहता हूँ कोने में। कैसे बातें कर रहे हैं आप? ठीक बोल रहा हूँ मैं, जब से उस मिशन से लौटा हूँ ना मैं, आर्मी वाला कहाँ बताओ? उस मिशन ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। जिंदगी तो हमारी खराब हुई है विक्रम। तो क्या डिसाइड हुआ? अरे ये खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं कि बंद? खुला छोड़ दो ना। तो और बताओ? और आप बताओ जी, क्या करना है? जो आप चाहो, इतनी देर से दारू तो आप ही पिला रहे हो। माल रोड में मेरा रूम है। माल रोड तो माल रोड तब बनेगा जब मेरी जैसी असली माल वहाँ पे पहुँच जाएगी। लेकिन आई थिंक तुम्हें झेलने के लिए मुझे थोड़ी और दारू चाहिए। ओए सोनाली, आप कौन? तू कौन? ये कौन? ये है, तुम्हारा नाम क्या है भाई? भाई नाम क्या है यार, व्हाट्स योर नेम एनीवे? आई मीन सोनाली, इनफ है, लेट्स गो। ओ भाई साहब, क्यों मुड़ के मां बहन कर रहे हो? ओ चूती है, बीवी है मेरी। बीवी बन गई मैं? तब तो भैया के सामने बीवी का कोई ख्याल नहीं था। चलो आप चलो। बेबी का बेवा कर दूंगा। Please, something came to your mind. What do you mean? I've never seen you like this, Samar. भैया के सामने तुम्हें हो क्या जाता है? बेबी हर चीज का एक रीजन। What do you want to know? Everything. यार मैं जब अपनी पहली पोस्टिंग से वापस आया था ना, मैं तभी समझ गया था कि आर्मी लाइफ ये मेरे लिए नहीं है। भैया अपनी इंजरी के बाद से बहुत ड्रिंक करने लग गए थे एंड ही वाज वेरी बिटर एंड अनरीजनेबल ऑल द टाइम। मुझे पता था कि मैं उनको बोलूँगा तो समझ नहीं पाएंगे। यहाँ लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। भैया एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्लब गए थे ड्रिंक करने के लिए, वहाँ लैंडस्लाइड हो गई। हमें पता चला कि क्लियर करने में 2 दिन लगेंगे। भैया तब तक वहीं फंसे हुए थे। I had 48 hours. मुंबई पहुंचने के लिए बहुत। तुम मिले बिना ही निकल गए। मिलने के लिए रुकता तो रुकना ही पड़ जाता। इसलिए तुम 8 साल से घर नहीं आए हो। All right. अब सब ठीक है ना? घंटा ठीक है, पहले सिर्फ तुम टल ली थी, हम दोनों टल ली हैं।
कैसी है यार? अभी भी लेस्बियन हूं। चल फोन रख अब। तू मेरी बात तो सुन यार एक बार। मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है। आई नो तेरा दिमाग खराब हो रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर वाजपेयी ने तो सबको बता दिया कि तेरा दिमाग खराब है। I just hate everyone right now. इसलिए तो कह रहा हूँ, get out of the house, Addu. यार, listen, मैं तुझे यहाँ का location भेज रहा हूँ. Please come, please. Bye. Cheese and cream ज़्यादा hi-fi तो नहीं है. Ooh, Vimi and Mridul. Baby, उल्टा उल्टा baby. सही है. सुबह सुबह ही. पक्का आप लोग मम्मी जी पर गए हो. कितना भाभी का? अरे ये बुक क्लब वाले हैं ना, इन्होंने किताब अभी को निकाल दिया है ग्रुप से। क्यों? पता नहीं। Ladies, ladies, ladies. I'm so sorry, but I have something I have to say to all of you. You guys are not the Kanuri book club. You're the Kanuri crook club. Get it? Because you're all a bunch of crooks. I mean, you guys are losers. बस आज के लिए इतना हो गया। Baby, come on. Who needs to meet to talk about 50 Shades of Grey? Ooh, ice cream. Ooh, baby, my ice cream to reh gayi na. Baby. अच्छा तुम जाओ ना, मैं baby ice cream. Baby. अरे one second, just my ice cream है ना. अच्छा we're outside. That one. Hi. मैं loser club की member, Dr. Bharani. Hi. I'm so sorry. For the record, मैंने तो बहुत कोशिश करी, फिर भी इन लोगों ने गीता को निकाल दिया club से. But anyway, इन लोगों की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ. And tell Geeta they'll come to get her soon. I'm sorry, मैं भी जाके कुछ भी बोल देती हूँ. But you're so nice. We should get a drink sometime. Why not? In fact, Geeta तो मेरी favorite patient है. और Mridul तो मेरी favorite delivery है. It's so sad what happened to him with all this premature baby thing and you know. Premature मतलब. Yeah, I know what's a premature baby, but Geeta went full term. It was a totally normal delivery. कोई कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं. कौन है बच्चे? गीता के पास से मेरा इनहेलर ले आओ. ओके मम्मी. Listen to me, Kashyap. I can't take it anymore. Please get me out of this. I need you. हाँ तो कब मिल सकते हैं? कौन है? गीता दीदी, मम्मी को इनहेलर चाहिए था. हाँ मैं देती हूँ. कश्यप बाद में बात करते हैं. Delhi NCR collection. How do you pick up chicks in Gurgaon? यार इस शहर में हर जगह assholes दिख जाते हैं. मैं तुझे नहीं कह रही हूँ. Anyone? No? It's simple, guys. Invite Maruti vans. Okay. Next one. How do you know कि sex आपकी बंदी के लिए भी exciting है? Simple. मुंह से कपड़ा हटा के पूछ लो ना. Sex से याद आया. हमारी सिटी में लेस्बियंस को ज्यादा ही बढ़ गई है. लगता है कन्नूरी का नाम चेंज करके लेस्बिया रखना पड़ेगा. अदु, चल कहीं और चलते हैं, चल. वैसे मुझे लेस्बियन से ये पूछना है, कैन आई वॉच? अदु क्या करिए, मैं तुम लोगों को पूछ सकता यार. अदु, अदु. Open mic, right? Be my guest. Wow,
What a friendly crowd. Already ready with your opinions. Nice. Excuse me? Yes, you. Aapke opinions aur aapke standards na kaafi low hai. I mean, an opinion is like an asshole. Everybody has one. Aur asshole se yaad aaya. Jatin, what's up? All good? Okay. So, lesbian, huh? वैसे लेस्बियन होने के प्रोस भी है और कॉन्स भी, जैसे डबल वार्डरोब, आल्सो डबल पीरियड्स, दैट सक्स आई नो, बट ओवरऑल लेस्बिया इज अ ग्रेट प्लेस. आई मीन जस्ट इमेजिन आधी रात को कोई चीप डिक पिक तो नहीं भेजेगा कम से कम. आल्सो द सेक्स कैन गो ऑन एंड ऑन अंटिल यू लाइक. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि टॉयलेट सीट हमेशा नीचे. Well, I still have some more. Last part. एक straight लड़की को lesbian बनने में सिर्फ एक चूतिया की help चाहिए होती है. So, Jatin, come on, guy. किसी की काम आ जा. Addu. नहीं यार, अरे बहुत जल्दी आ गए आप लोग, थोड़ा और लेट कर लेते हैं, दो दिन के मेहमान हैं, खातिरदारी तो करनी है हमको. तो शैल वी स्टार्ट विथ योर परमिशन. वैसे सोनाली मैम, आपकी भतीजी कहाँ है? आदिति. अच्छा, घर पे है. ओह, आई एम सो सॉरी. आइए आइए, हमारे इस धर्मशाला में आपका स्वागत है, बैठिए. तो बताओगी कहाँ थी या फिर जरूरत नहीं समझती आप? क्यों, मैं अपनी बेटी से पूछ नहीं सकता हूँ क्या? ओह, आई फॉरगॉट, अलाउड ही नहीं. इस घर का उसूल है कि भाई इस आदमी को कुछ मत बताओ. मेरे भाई ने आज तक नहीं बताया कि वो इस घर से भागा क्यों, पता नहीं कितने साल पहले. मेरी बीवी नहीं बताती है कि कौन से क्लब की मेंबर है. मेरी अम्मा नहीं बताती कि उनकी दवाई का नाम क्या है. और मेरे भाई की बीवी तो मतलब कुछ ना कहे तो बेटर है ना. बस एक ही आदमी है यहाँ, सब कुछ बता के करता है, वो मैं हूँ. You know what you call a person? भाई, नमस्ते भाई साहब. मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है. आएंगे आप? हाँ, पता है पता है. माफी मांगनी है ना? आज नहीं, कल. आज जरा बिजी हूँ, मेरी फैमिली के साथ डिनर है. If you want to join, you can join. खाना वाना सब बाद में. मैंने तुझे जो पैसे दिए थे उसे लौटा, वरना तेरे घर के कागजात मेरे पास हैं. 10 दिन के अंदर ये घर खाली कर दे. चलता हूं. दीवार क्या मेरे घर की गिरी, लोगों ने इसे रास्ता बना दिया. ये मैंने नहीं कहा, गालिब ने कहा है. मेरी बात मान ले, रकम बहुत बड़ी है. अरे भाड़ में नहीं रकम, तेरे से पढ़कर पैसा. वो जल में इतना गिर गया कि जब पैसों के लिए मैं तेरा घर गिरवी रखूंगा. मैं पागल हो गया? तू यार कहा ना, यार की बात मान ले, घर का कागजात रख. मैं कोई कागजात तो बात मत किया कर. पप्पू, अगर मैंने रकम लौटा नहीं गड़बड़ हो जाएगी. कमाल के डायलॉग मार रहे हैं. ओए फौजी, क्या बात करता है तू? अरे जो अनजान लोगों के लिए अपनी जान पे खेलता है, वो यारों से क्या कतारी करे लोग. ये तो कमाल का शेर हो गया. चलिए, आप हमारे हम न्याला हैं, हम प्याला हैं. ओ ड्रामेबाज, ठीक है मिस्टर कोतार, तेरा दिल रखने के लिए मैं ये
कागजात रख देता हूँ। थैंक यू मिस्टर मकान मालिक। ओ काका मकान मालिक भाई, ये क्या पप्पू तेरा यार है? Let's have a bottoms up. Cheers. मेजर विक्रम रनावत ने वीरता, अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अत्यंत जटिल और कठिन ऑपरेशन को समाप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। मेजर विक्रम रनावत। I would like to thank General Rawat, Chief of Staff, for this incredible honor. Thank you, sir. I take great pride in serving our country, like all of us here. My father used to often say that if death strikes before I prove my blood, I swear I will kill death. Such is the valor of each and every one present here. Let's use this life to rewrite the history of this great nation, to fight for it, to die for it. Jai Hind. दीदी, I'm sorry, I have to talk to you. ये सब जो घर के मामले में हो रहा है वो घर सब के बारे में अगर बात करनी है, विक्रम बेसमेंट में है, उनसे बात कीजिए। और आप कुछ नहीं कहेंगी? हाँ, यही स्पेशलाइजेशन है मेरा। दीदी, ये घर समर का भी है, उसे कोई हक नहीं मिलता है क्या? तुम लोग अभी आए हो, मैं इस घर में रहते तो मुझे कुछ जाने का हक नहीं है, तो तुम्हें समर को क्या मिलेगा? भैया ने आपको भी नहीं बताया, his own wife, how can he be like this? वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। कैसे? Stupid या chauvinistic? क्या जानना चाहती हो? सब कुछ। क्या ये दोनों भाई हमेशा से ही ऐसे थे? इस इनसेंट जगह को तूने सारी कन्नूरी की लड़कियों को दिखा दी। ओ अच्छा, आपने कुछ नहीं किया यहाँ पे आज तक जैसे हैं। भाई तुझे याद है हम लोग रात भर यहीं थे, अभी सवेरे जब घर पहुंचे तो पुलिस भीड़ भड़कता वगैरह। एक लाख बार मैंने आपको बोला झूठ बोल दो पर कौन बोलता है और आपको तारे गिन रहे थे यार। एवरीवन इज लाफिंग एट अस। अरे क्या दिन थे यार। दिन थे मतलब अभी के दिन बुरे नहीं है दोस्त। जब तक कॉल नहीं तब तक। तो तुम घबरा रहा है? फौजी है तू, फौजी समझा? हाँ, पर एक नॉर्मल इंसान भी तो हूँ भैया। मुझे शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद कंटिन्यू नहीं करना, ये आर्मी लाइफ मेरे लिए। क्या मतलब तेरे लिए? अभी तेरे लिए बनी है, मेरे लिए बनी है, पापा के लिए बनी थी, दादा के लिए बनी थी, उनके दादा के लिए बनी थी, या दादा के परदादा के लिए बनी थी? शर्त लगाते हैं। किस पे? आज पप्पू है ना, दो बोतल कटक जाएगा। मैं कहता हूँ तू कितना? यार आप और पप्पू। नहीं, शौकी लगा ना, ठीक लगा बता। मम्मी, चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। अली कर दी बोतल तूने, हाँ? ला, 100 रुपए ला। कमाल की बात करते हो यार, अभी तो गला गीला किया है, पीऊंगा तो मैं अब रात बाकी है।
आओ जी कम डालिंग से डाल क्या आदमी उससे बोर कर रहा है मुझे क्यों नहीं पीऊंगा हक से पीऊंगा और पूरी बोतल पीऊंगा तू देख 1 2 3 4 कितने हो गए लो डालिंग मुझे पीने दो पीने दो और मैं जितनी पीऊंगा उतनी आप मुझे हॉट दीजिए अरे भाई साहब वो तो वैसे भी हॉट है तो मैं मानता हूँ लेकिन चंडी माई का रूप नहीं देखा आपने इसका अभी दिखाऊं का कलर भड़क गई शादी की बात कर रहा हूँ कब तक तू लड़कियों के दिल पर चोरियां चलाता रहेगा कब तक कुछ मिलनी भी छोड़ देना यार अरे भाई साहब इनकी तो हम स्वयं रचाएंगे एक्सचेंज स्कीम का ऑफर भी रखिएगा भाभी कुछ मेरे भी तो काम आ जाए अरे भाई चलो चीयर्स 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 जा अरे ये क्या लिखा है अखबार साइलेंस इज इंजूरियस टू हेल्थ You know, Gita, I hate silence. तो सुनो, I love you and I don't want you to go. अरे, इतना emotionally बोलोगे तो मैं तो मर जाऊँगा यार. ये क्या दुख हुआ? अभी अभी आए हो, फिर से बुला लिया. अरे यार, जल्दी आ जाऊँ मैं, ठीक है? शायद मैं वक्त बिताने को भी नहीं मिला. बात तो सही है. करना पड़ेगा ये वक्त काश कभी खत्म ना हो यार ये आर्मी ड्यूटी जो है ना माना कि मेरा प्यार है पर तुम मेरी जान हो कहीं भी रहूं सरहद पे खाई में तुम हमेशा मेरे साथ रहो बहुत भूख लगी ये सारा डेकोरेशन जो है ना पेट में चूहे दौड़ रहे चलो चलो खुश रहो <हुँ? laughs>
पापा को बाय करवा तू। क्या लगना? सुनो, जल्दी आना। कितनी जल्दी आ जाए? जितनी जल्दी हो सके। सो, या, इट्स टाइम। काशिफ, ब्रिंग ए मैकेरल प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? मैं कर रही हूँ। क्यों? पापा को गए हुए 10 days हो गए। गीता? हाँ माँ। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में, कुपवाड़ा सेक्टर जो कि भारतीय सीमा रेखा के काफी नजदीक है, वहाँ पर आतंकवादियों ने एक आर्मी कैंप पर हमला कर दिया है। आपको बता दे कि इस वारदात में हुए नुकसान की पूरी जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा आर्मी अफसर घायल हो चुके हैं और 2 शहीद। आइए आपको ले चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता के पास जो श्रीनगर में आर्मी नॉर्दर्न कमांड से हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, हेड इंजरी भी है। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? क्रिटिकल है बट ही विल बी फाइन, लेकिन ये ठीक से नहीं चल पाएंगे। आई एम सॉरी मिसेज रनावत, अब आपके हस्बैंड एक्टिव ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। का बिहेवियर और मिडिल का स्पीच, ही डजंट डिजर्व ऑल दिस। नाउ डू थिंग्स मेक अ लिटिल बिट मोर सेंस। या मेरा सिर्फ एक और सवाल है। क्या आपने मुझे ये क्यों बोला कि मृतुल प्रेमचोर है? क्या जरूरत है? मेरे पप्पू अंकल जब घर खाली करवाएंगे तो फिर से पेंटिंग कराना पड़ेगा। तुझे कैसे पता? अरे सबको पता है, बिना बात की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं आने वाला। चल। हाँ, पहले तो ये फैमिली अजीब थी, अभी गरीब भी हो गई है। रनावत फैमिली, रन। भाभी का भाग गई है यार। मम्मी मेरे हर बर्थडे पे बहुत खुश होती है, पर इस साल थोड़ी सैड है। मेरा सिर्फ एक और सवाल है, आपने मुझे ये क्यों बोला कि मृतुल प्रेमचोर है? चलो तुम गप्पे मार रहे हो, चलो विश करना है मृतुल को हैप्पी बर्थडे। कम ऑन कम ऑन, 12 बज गए, चलो सोनाली। कश्यप भाई आपको बुला रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड डील, एक बार सोच कर देखो। प्लस माय रेस्टोरेंट इज डूइंग रियली वेल, थोड़े टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा।
हम घर को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते ना? हम घर मेरा भी तो है। अच्छा मतलब 8 साल तक तुम्हें लगा नहीं घर तुम्हारा? नहीं नहीं 8 साल तक तुम्हें लगा नहीं कि ये घर तुम्हारा है? अचानक लगने लगा मन परिवर्तन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। ये कि दिस सिटी हैज बीन सर्विंग सॉल्ट इनटू माय वुंड्स एंड यू विल नॉट कम। यू किकिंग मी विल नॉट कम। ये मैसेज करने की कोशिश कर रहा है। मांगे क्या? अरे मेरे रेस्ट होने पैसे मेरे घर बच्चा है तो प्रॉब्लम क्या? 5 रुपए लूंगा तुमसे। खबर तो धोखी बात है। इतनी बड़ी हुआ क्यों तुम? जब तुमने आर्मी छोड़ दी ना, घर छोड़ दिया, कहां आई हो तुम? इस घर में अपनी जगह पैसों से मत खरीदो। दैट्स वेरी चीप। कम से कम साथ में तो होता है जब जरूरत होती है। एंड इज नॉट इवन माय ब्रदर। या मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। चाची अब क्या कर रहे हो? दादी इजंट शी ट्राइंग टू एक्ट टू कूल? अरे यार मेरी पार्टीज में मैं कोई काम ही नहीं करती थी। अच्छा यू बिकम सो बिग नाउ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ऐसा कोई बर्थडे मिस किया है? कश्यप सी सोनाली से मिलो। ओह हाय हाउ आर यू? गुड। सो कनूरी कैसा लग रहा है? ओह इट्स ब्यूटीफुल यू नो बट वेरी मिस्टीरियस। वो तो है बट एक्सप्लोर करेंगे तो शो यू यूज्ड टू इट। हां ट्राई तो वही कर रही हूं। कश्यप सो हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम ओके। You're looking good. Thank you. Hey, Samar. Hey, how are you? Good. Hey, mere tino handsome bachche. Aditi, photo lo. Smile. Papa, at least aaj to smile karo. Show? Sir, ab to Samar bhi yahan hai. Old times like 2009. Ek aur reunion. Yeah, why not? Why not? I'll catch you in a bit. Okay. Par aap to the hi nahi reunion pe. आपने जो मुझे एक एल्बम दिखाई थी ना उसमें फोटो तो नहीं थे। एक्चुअली घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो आई ट्राइड बैक। एनीवेज आई विल सी यू इन अ बिट। शाम को आता हूँ। बाय बाय कश्यप। तो तेरे आसपास लड़कों को देख के खुशी होंगे ना। अच्छा I mean I have to show you something. I have to show you something. ये देख 100,000 views and the count keeps increasing every time you refresh. तो फेमस हो गई है तू। देख अब तक people knew you only as Nandita's friend. Now they know you. देख तेरी वीडियो इज गोइंग वायरल। पर ये तुझे कहां से मिली? अरे इट्स ट्रेंडिंग ऑन YouTube. What? बच्चे तो हैं। इट्स नॉट एज बैड एज मेबी आई फिगर इट आउट। व्हाट? मिथुन विक्रम भैया का बच्चा नहीं है। बेबी आई एम श्योर। ओके आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन माय लाइफ। दिमाग खराब हो गया। बेबी थिंक अबाउट इट। रिमेंबर हर सदा गीता दी सेड दैट मिथुन 9 मंथ्स प्रीमैच्योर। ओके बट डॉक्टर बरानी सेड दैट ही वाज अ फुल टर्म बेबी व्हिच मींस ही हैड बीन कंसीविंग सच मंथ्स बिफोर। बट भैया वाज इन द मोरी 9 मंथ्स बिफोर। यू नो हु? एडीसी कश्यप। I am completely sober, which is why I can see everything really clearly now. Besides, have you seen their chemistry? It's insane. It's like they're off the charts. Enough, Sonali. My family is very troubled. Your family? Is it my family? It doesn't look like that. Instead of being supportive, you're spying on them. So, what are you doing, support them? I spoke to Bhaiya. He tried to help me turn one. Besides, you should be supporting Bhabhi. Do you have any idea that?
she's not biased since she was a little girl. कुछ भी गलत कर ले, she's always gonna love him. तुम्हारी ये fact finding mission से कुछ नहीं होने वाला. Stop trying to find faults. I thought you were the sane one. तो मैं क्या करूँ? What should I do? There's nothing we can do, Sonali. This house has changed. हम जब से इस घर में हैं तब से लड़ रहे हैं. There is nothing you can do to help anyone over here. So let's just get out of here. छोड़ दोगे मुझे? इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा? Ibiki, 18 years, Japanese single malt. But yeah, I came here because I have a proposition. What? मेरे पापा ने मेरे लिए एक ट्रस्ट फंड छोड़ा है उसमें. यार तुम मियां बीवी, उनको बात समझ में नहीं आती क्या? It's not what you think. I want to build a guest house. Right here, behind this property. Your land, my building, we'd be equal partners. और इन earnings के साथ आप अपने भैया के पैसे वापस कर सकते हैं. और इसमें तुम्हारा क्या फायदा? मतलब तुम हमारे लिए सब क्यों कर रहे हो? Because I'm a part of this family too. अगर मैं मना कर दूं तो? आप मना नहीं करेंगे? You and I were not so different. You know? I mean, बस आपकी तरह अपने उसूलों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी भी कीमत पर. और कभी कभी हमारे अपने मैं समर के साथ आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, क्योंकि तब आप उन्होंने क्या किया? डॉक्टर वांग के शी आल्सो डिजर्व्स टू फील दैट शी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दैट्स ऑल.
ऑफिसर कहीं खो गया था ना, आ गया वापस। Can we fix this? No, secrets, no, secrets. ये सब कहाँ से सीखा? मेरे गांव में टापी से, वहाँ सभी कूल हैं। मैं गई हुई हूँ टापी, कोई कूल नहीं है वहाँ पे। मुझे लैंडस्लाइड होते रहते हैं। लैंडस्लाइड कब हुआ? मैंने तो कभी नहीं देखा। हमें तो 2-3 घंटे रुकाया था वो संगीत की रात पे। अरे भाभी वो पुलिस वाले हैं, फालतू में रोक के रखते हैं लोगों को 2-3 घंटे। मैंने 15-20 सालों में तो कभी नहीं देखा लैंडस्लाइड। समर सोनाली कहाँ गई? केस मर्डर का नहीं है सर, फैमिली डिस्प्यूट तो है ना, और फैमिली डिस्प्यूट्स में किडनैपिंग्स हो जाती हैं, मर्डर्स हो जाते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर आप लोगों की फैमिली तो इतनी रिप्यूटेड फैमिली है। क्या मतलब है आपका? ये तो कौन है? गेस्ट भाई, छोटा भाई हूं मैं इनका, मेरी वाइफ है फिलहाल के लिए। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ? आप केस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, आप मेरी वाइफ को नहीं जानते क्या? अच्छा आप ये बताइए कि आप घर कब लौटी थी? समय को याद नहीं है भाई, बहुत कुछ हो रहा था। आई थिंक इट वाज सर,
ये भाई साहब बाहर गए हुए थे, साथ में उनकी बीवी गई हुई थी और मेरी वाइफ मेरे साथ कमरे में थी। 10 बार और बोलूं मैं, प्रेमलता जी कहां थी? आप कैसे जानते हैं मम्मी जी को? What, मैं ये क्या कह रही हूँ कि उनका अफेयर हुआ था? I'm just asking how he knows her. बीबी, ours was not an affair. हाँ, पर बच्चा तो तुम्हारा हो सकता है ना? तो बच्चा? बच्चा आपका नहीं है क्या? तुम्हें क्या लेना देना यार? बच्चे को ढूंढिए ना आप, प्लीज. बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है मैडम. सर, आप एक काम करिए, आप मुझे शुरू से बताइए कि पार्टी के बाद क्या हुआ. अरे यार, तुम तो बड़ी एडवेंचरस निकली बाहर, इतने लोग, हम लोग दोनों यहाँ अकेले, पर्दे वर्दे बंद. मैं सोच रहा हूँ लाइटें बंद कर दे क्या? तुमने कहा था ना, नो मोर सीक्रेट्स, नो मोर लाइज. तो मुझे तुमसे कुछ कहना है. क्या? सोनाली, Stay the fuck away from me. Sonali, it's not what it looks like. Oh, really? What does it look like? Huh? What does sleeping with your bhabhi look like exactly? No, you know what? No. Don't tell me. I don't even want to imagine it. Sonali, I didn't cheat on you. Yes, you did. Yes, you fucking did. This is a very long time. Oh, so that makes it okay. That makes everything all right. God, this is a fucking nightmare. My whole marriage is a lie. I'm sorry. Mitul ko gift bhejna hai, gift bhejna hai. I picked them out for you. I even gift wrapped them for you. विक्रम, अम्मा प्लीज. विक्रम, इसकी बात तो सुनो प्लीज. अम्मा, इसको बोलो कल सुबह मेरे घर से निकल जाए. विक्रम, एक बार उसकी बात तो सुनो. विक्रम, मेरी बात तो सुनो. मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी. अम्मा सुन, गीता ऐसा कुछ नहीं चाहती थी. अम्मा प्लीज, इस घर में उसका नाम मत लेना प्लीज, अभी से प्लीज. विक्रम, विक्रम, क्या कर रहे हो विक्रम? What is wrong with you? What is wrong with all of you? किसने कहा था इनको बताने को? अरे अच्छा किया इसने बताया. इतना तो क्लियर हो गया ना, जिस बच्चे को मैं गोद में उठा के केक खिला रहा था वो मेरा बेटा है ही नहीं. पर वो तुम्हारा भी हो सकता है. Dad, बात Dad Mridul, shut up. Dad Mridul is gone. आप सुन रहे हैं ना मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ. सर देखिए, आप तो जानते हैं ये कनूरी कितनी छोटी सी जगह है. यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है. हमारे पास फोर्स भी बहुत कम है. तो एक काम करते हैं ना कि दो दो का ग्रुप बना के सब लोग ढूंढने निकलते हैं. और आप लोग मतलब बैठ के आराम करेंगे ना? नहीं सर, हम भी तो करेंगे ना जितना हमारे हाथ में पॉसिबल है करेंगे. अब देखिए, 8 साल का तो बच्चा है, वो कितने दूर गया होगा, सुबह तक मिल जाएगा. The boy can't himself. Talk, Kashyap. We'll find himself. We'll find him. If he's in danger, we'll chillabi. Don't worry. I don't know how we're going to fight him. Time can tell. I think we should start with the 5 kilometer radius. Okay. You start from the periphery. मंदिर के पास से शुरू करो. Yeah. I go center out. Boys, come with me. Take the cops. Come on. You guys, come with me. Come. मेरे साथ आओ. Come on. सर, कोई नहीं है. फिर से देखो.
नहीं गई उनके साथ? नहीं, इस बीच में अगर मृदुल घर आ गया तो और क्या पता आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात हो। नहीं बेटा, यूनिट हेल्प। नो, आई डोंट नो। सर, तुम कह रहे हो? मृदुल! मृदुल! सोनाली, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? I'm trying to find him, right? What else am I doing? He can't talk. He won't be able to respond. Well, like father, like son. Sonali, we don't know that yet, right? You're right, Samar. We don't know that. But we know a lot of other things now, right? जैसे कि तुम 8 साल के लिए घर क्यों नहीं आए हो? जैसे कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी फैमिली से क्यों नहीं मिली है? जैसे कि तुम्हारी अपनी फैमिली क्यों नहीं शुरू हुई है? I have had so many questions for so many years, and they all have the same answer. No, you don't get to do that to me now. No, no, no. I'll manage. Dad. तुम दोस्तों के साथ ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढता। Dad. I'm really sorry. मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे पास सीक्रेट्स है, बट यहाँ पे तो सब एक दूसरे को आउटडू करने में लगे हैं। मैं डैड, आई एम सॉरी फॉर ऑल द मेस आई हैव मेड, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर हु आई एम। डैड, मैं 18 साल की हो गई हूँ, आई एम अ फुल ग्रोन एडल्ट नाउ, बट इसका ये तो मतलब नहीं है ना दैट आई डोंट नीड माय डैड एनीमोर। आई विल ऑलवेज नीड यू डैड। What happened? About what? You know what. Tell me how it happened. मुझे नहीं जाना तुम्हारी stupid parties में यार। कितने बार कहूँ मैं? अरे कब तक घर में पड़े रहोगे? तुम जाओ ना। रोका है क्या मैंने? वैसे भी if I come with you, it will be embarrassing for you. Oh look, she's come with that limping officer all over again. Stop the self pity. Self pity नहीं है, हकीकत है ये। भैया, इसको ले जाओ। वैसे भी आर्मी छोड़ के बेकार बैठा हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी तो तुम एक्स्ट्रा स्वीट हो जाते हो, कभी तुम साइलेंट हो जाते हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, बीमार कुत्ता है। What should I do with him? You know, should I give him a treat or should I just put him down? अरे विक्रम! Shut up. Shut up. मुझे सब पता है। ये ढोंग वगैरह करना ना बंद कर दो, समझे? हाँ कश्यप यार, मीट मी एट द टैवर्न। हाँ,
No, I don't feel like drinking alone today. हाँ, dinner के लिए मत रुकना मेरे लिए. Oh, I forgot. आजकल थोड़ी कोई रुकता है. Was limping officer. ये सब क्या हो गया समर? Life, भाभी. Love him so much. Me too. अगर भी पुराने भैया यहाँ होते तो हमारे लिए ड्रिंक्स वो बना रहे होते. I miss that man. Still the same man. No, he's not. हमारी शादी सिर्फ नाम की रह गई है. भाभी, shit happens. पर प्यार तो रहता है ना. पता है, हम कॉलेज में थे और वो सेकंड लेफ्टिनेंट कितने सोफिस्टिकेटेड लगते थे अपनी वर्दी में. ये सब नहीं पता मुझे. तुम्हें कुछ नहीं मालूम. For the world, he was this proud, brave soldier. लेकिन मेरे लिए he was the man that made me melt. सिर्फ एक नजर काफी थी. भाभी, ये सब नहीं पता करना मुझे. हम जब भी मिले तो ऐसे लगा पहली बार मिल रहे हैं. लेकिन अब भाभी, he still loves you. No, he doesn't. उसकी इंजरी ने किसी के लिए जगह नहीं छोड़ी. I miss him. Miss everything about him. जैसे मेरे ख्याल रखते थे, जैसे मुझे देखते थे, जैसे मुझे प्यार करते थे, सब मुझे वापस चाहिए. I wish. नहीं. आप मुझसे नाराज नहीं हो? तुझसे नाराज होना था तो तब होती जब समर घर छोड़ के चला गया. तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने उसे रोका क्यों नहीं? उस रात मैं समर के कमरे में गई थी विक्रम के बारे में बात करने. सारी रात इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आया. क्या घूर रही है? बता देती क्या? मैं चुप रही ताकि इस घर की शांति बनी रहे. रिधुन, रिधुन,
सब लोग मेरी वजह से लड़ रहे थे। मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ, शायद लड़ाई खत्म हो जाए। ट्रेन पकड़कर भागने वाले थे ये, फॉर्चुनेटली इस बच्ची ने देख लिया। ओ थैंक यू। प्रेम जी को मेरा हाय कहिएगा। आप लोगों का चक्कर क्या है वैसे? उनका और मेरा चाय का सप्लायर एक ही है। आइए ना, आइए आइए ना। थैंक्स नंदू, आई लव योर हेयर स्टाइल। चल अब ड्रामा बंद कर। तो ट्रेन स्टेशन पे क्या कर रही थी? भाग रही थी ऑफ कोर्स, बॉम्बे। हाँ, यू सी आई यूज्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन कनूरी, लेकिन अब आधी कनूरी तो तेरे फैन है। सो देन आई हैव टू ट्राई सम न्यू प्लेस, बॉम्बे। आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी फॉर यू नंदू। इसलिए नहीं क्योंकि तू बॉम्बे जा रही है, बट इसलिए बिकॉज यू आर गोइंग अलोन, और इस भोसले के साथ नहीं। वैसे भी तुझ में बात तो है, यू विल रॉक इट इन बॉम्बे। ओ माय गॉड, अदिति रनौत मेरी तारीफ कर रही है। आई कांट बिलीव दिस। शट अप नंदू। सो देन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू नो, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन ब्रेवर देन मी। सेल्फी हो जाए विद द स्टार। सो आई गेस आई विल सी यू इन बॉम्बे समडे देन। मेबी आई गेस आई शुड गो नाउ। या ओके बाय। माय बैग। यप। बाय बाय। चलो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। कोई आराम नहीं करेगा। हाँ? इस घर में और झूठ के साथ मैं रह नहीं सकता। मां और क्या सुनना बाकी है? मुझे मृदुल के लिए डीएनए टेस्ट चाहिए। सुबह मेरे घर से निकल जाए। मुझे मृदुल के लिए डीएनए टेस्ट चाहिए। मृदुल, I'm so sorry मेरे बच्चा, I'm so sorry। मृदुल मैं जानबूझ के नहीं किया सब कुछ, I'm so sorry, I'm so sorry। मृदुल देखो ना मेरी तरफ, I'm so sorry।
कांट स्लीप, इसका मतलब जानती हो? फैमिली'स लास्ट सीक्रेट। It's the end of everything I love. I just can't do this to you, anything. If Nidul is mine, I just can't do this to Sonali. It's not fair. She doesn't deserve this. I don't know. What I don't deserve is a husband who hides from the truth anymore. For once, Bhaiya was right, son. You are a coward. In fact, both of you are cowards. Hey, what? We were worried about Bhaiya, so we got drunk and we fucked. I can live with a cheater. But I can't live with a coward. So man the fuck up and take that test. Oh, and don't bother to worry about me. Because we know what happens when you two do that. What the hell are you? Just leave me alone. I'm just saying, we have to talk about it, no? You utter one word, and I'm going to forget the fact that these people think that we're brothers, okay? Bhaiya, 8 years pehle jo hua, wo DNA test karane se badal to nahi jayega na? What? Fuck off, bhaiya. Ek acha. अगर तुम मुझसे कहोगे क्या है स्लेप्ट विद योर वाइफ और मैं तुम्हें झप्पी लगा लूं भैया पागल फाइन मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे ओके कल सुबह रुक तेरा तुम सिटी हॉस्पिटल जाने बात खत्म मैं नहीं जा रहा हूं आप अकेले जा रहे हो एंड द ड्रिंक्स आर पेड फॉर ओके एक रेडियो आपकी शहरन आपका घर आपकी सड़क आपका शहर आपका स्टेट ये पूरी जगह का नाम विक्रम शारा रख देते नहीं तुम्हारे नाम पे रख देते ना भोड़ापुर भागने में तो उस्ताद हो तुम आर्मी से भाग लिए घर से भाग लिए तो आपने घर पे रह के क्या कर लिया पप्पू को गिफ्ट कर दिया यू शट अप आई वोंट गो अहेड पंचमी अभी रोहन पंचमी लग रहा है व्हाट सबका टेंपर है यार मैकेनिक कहां मिलेगा यार अरे मैडम इतनी जल्दी चेकआउट सॉरी मम्मी इट वाज नाइस मीटिंग यू बट इट्स टाइम टू गो पर तुम्हारा बुकिंग तो एक और हफ्ते का है हाँ
पर आइटिनरी में कहीं डीएनए टेस्टिंग तो नहीं लिखा था ना. सो इससे पहले कि आपकी पूरी फैमिली मुझे भी पागल कर दे, आई थिंक आई शुड गो बैक टू बॉम्बे. तुम कहीं नहीं जा रही हो. इट्स रियली स्वीट दैट यू केयर दीदी, बट दिस इज नॉट रियली ओपन फॉर डिस्कशन. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं काउंट तो कर ली थी बट हाथों में सिर्फ 10 मिल लिया है. तुम्हारा ये जो बकवास है ना, तुम्हारा अपना है या किसी से लिखवाती हो? नहीं मतलब तुम्हारी ये स्मार्ट आस बातें हैं, तुम्हारे ये माइंड ब्लोइंग ताने कहाँ से लाती हो सब? कुछ बोलना है सीधे सीधे कहो ना. इसका इलाज तो मेरे पास है. हेलो, चाय? चाय नहीं बेबी, हाय. नोटिस किया है कि पंखा टॉयलेट के फ्लश के सर्कल जितना फास्ट है. मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने ये स्पीड कहाँ देखी है. तुम लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? एक कप में ये हाल है. मैं तो दिन में 4 चाय पीती हूँ. पंखा ना बिल्कुल विक्रम भैया काटो मेरे चार है ना. मैं स्क्रू आपके दोनों बेटे ना. बिल्कुल क्योंकि उनके पापा भी चूतिए थे. कल सुबह आएगा ना. ये रूम सर्विस का क्या सीन है? अच्छा भेज दो 300 एक में. वो जो रिसेप्शन में बंदा बैठा हुआ है ना, वो कह रहा था कि 365 days इस घटिया होटल में कोई आता ही नहीं. बस आज के दिन फुली ऑक्यूपाइड है इस कमरे को छोड़. जब से तुम आए हो ना, तब से कोई चीज सही होती ही नहीं. I think we are far better off without you, don't you think? मैकेनिक से बात कर लिया. We can leave for the hospital tomorrow morning. हाँ जी. आपने कॉल किया था? नहीं, रूम सर्विस के लिए. हाँ हाँ, रुक्मिणी रूम सर्विस. नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारी इस होटल में ऐसी सर्विस मिलती है डार्लिंग. अरे कौन है समर? तुम? सर आप? मैं? भैया? ये तो जाने को तैयार ही नहीं है. अब क्या करें? Why are you looking at me like that? No, I'm not sleeping with her or anything like that, huh? वो कर्नल बख्शी है ना, उनके पार्टी में एक बार मिली थी तो हाय हेलो कहता था. उससे चलो फोन करो कर्नल बख्शी को. सर अब कौन सा रूम सर्विस मंगा लिया तुमने? जल्दी खोलिए सर. आ रहा हूँ भाई. अरे सर, पुलिस की रेड पड़ गई है सर. जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ. रुको को छुपा दो सर. रुको रुक्मिणी मतलब शॉर्ट फॉर्म फॉर क्या करना? मुझे कहीं छुपा लो प्लीज.
दिल्ली में कर्नल भाटिया हुआ करते थे, बड़े हॉट थे। पापा से पूछे बिना तुम कहीं नहीं जा रहे, समझ में आया? तू विक्रम को बिना पूछे सब कुछ करे और ये बेचारी दिल्ली भी ना जाए। अम्मा, मॉम मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है एंड आई एम लीविंग नेक्स्ट वीक। यूनिवर्सिटी कब बताने वाली थी? मॉम स्कूल के बाद लोग कॉलेज ही जाते हैं, सब अप्लाई करते हैं। अरे पापा से कौन पूछेगा, मुझसे कौन पूछेगा? आप दोनों को मेरी फिक्र भी है। वो तू यार, चलो देखो पेरेंट्स यार। सोनाली प्लीज, ये मेरी और विक्रम की बेटी है, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, विक्रम को आने दे फिर बात करते हैं। नो इट्स फाइनल एंड आई एम गोइंग टू टेल यू। अद्दू तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हैं, घर छोड़ के नहीं गए। गिव मी अ ब्रेक। मॉम यू नो व्हाट, आई एम सॉरी बट दादी इज राइट, आप जो चाहे करो और मैं कुछ नहीं, मैं जा रही हूं एंड दैट्स इट। अद्दू 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 रुक जाओ। रुक्मणी, वो लोग चले गए? हाँ चले। वैसे मैं क्या बोल रही थी, रूम सर्विस कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ कंटिन्यू नहीं कर रहा, वो पुलिस गई ना, आप जाइए। वैसे हाँ, नेक्स्ट टाइम से खाना ही मंगाना, रूम सर्विस नहीं। आप दोनों भाई हो क्या? हाँ। सोते ले। वैसे ठीक ही कह रही है भैया। क्या सौतेली लगते हैं? मृदुल रानावत, बिन्नी जल्दी करो, मुरारी आता होगा। हेलो हेलो अम्मा, तुम कब वापस आओगे? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, सब अपने धुन में लगे हुए हैं। तुम ही उन्हें संभाल सकते हो। विक्रम 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 विक्रम, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? गीता गीता से बात करो। गीता सुनो, गीता अम्मा अम्मा के बाद बेगम अख्तर की ठुमरी। मैम कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। मैम
डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। यहाँ कुछ नहीं करने को, तुम घर चले जाओ। सीधे क्यों नहीं कह देते? तुम मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते। गीता, I'm not in a mood for any argument, okay? Besides, I know how to take care of my mother. खुशी हुई? Please यार, मुझे बख्श दो, please. ऐसे ही बहुत कुछ झेल रहा हूँ। सही कह रहे हो। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही हूँ। अगर मुझे तख्त पर बैठकर तुम सारी दुनिया को जज करते हो ना, उसे जरा नीचे उतर के देखोगे तो पता चलेगा। The victim of an affair is not always the victim of a marriage. इस अफेयर की विक्टिम अगर तुम हो तो हमारी शादी की विक्टिम मैं हूँ। नहीं समझ में आया ना, एक बार मार देना, सब समझ में आ जाएगा। अरे खा लो, बहुत टेस्टी है। यार विम्मी, तुझे भूख कैसा लग रही है? आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखना मम्मी जी दो दिन में ठीक हो जाएंगे और फिर हम सब लोग दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे साथ साथ। कुछ और बात है क्या? यार मेरी एडमिशन्स के लास्ट डेट है और सबको इस हालत में छोड़ के मैं दिल्ली कैसे जाऊँगी? तो कैंसिल कर दो ना। यार शादी थोड़ी ना है जो दो मिनट में कैंसिल हो जाएगी। हो गया तेरा, बाकी और बाकी है। यार सॉरी दीदी, आप ही लोग तो मेरी फैमिली हो ना। देखना सब ठीक हो जाएगा। अब खा लो ना, प्लीज खा लो, प्लीज खा लो। ओके पागल, तू क्यों रो रहा है? सब तुझ बुरा समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूं तू अच्छा है। तू जो कुछ भी करता है प्यार के लिए करता है। ये लोग समझते ही नहीं। याद है समर के लिए कॉल आया था और तू चला गया था, क्योंकि तू जानता है समर आने के लिए तैयार नहीं है। तू सबका कितना ख्याल रखता है। उसको जाना नहीं है तो तू उसकी जगह क्यों जा रहा है? Because they need someone, no? अम्मा, समर ना आर्मी को लेकर अनश्योर है, तो ऐसे में किसी मिशन पे भेजना इट्स डेंजरस फॉर हिम। अगर वो आर्मी छोड़ के तुझे छोड़ के भाग गया तो तू उसका ध्यान कैसे रखेगा? मुझे छोड़ के क्यों भागेगा? अच्छा ऐसा हुआ भी ना, जब तक मेरे बस में है मैं ध्यान रखूंगा उसका। ओके गीता जानती है
मैं बस जा ही रही थी। कहाँ जाओगी? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अच्छा छोड़ो, इस पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ, तब तक आप दोनों इसे हर 10 सेकंड में ये कॉटन सुंघाइएगा, प्लीज। क्या बोल के गई हूँ, क्या करना है? सुंघाना है। प्लीज डोंट गो, नॉट नाउ, not ever. तुम जानती हो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं दूसरों के प्रॉब्लम को अपने से कम समझता हूँ। You know how I am. खुद पिस्ट। हाँ, मैं पिस्ट है। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए, जब चाह घर से निकाल दिया, जब चाह रोक लिया। तुम्हें DNA टेस्ट चाहिए था ना, मिल गया, अब मुझसे क्या काम? कुछ ही दिन में मम्मी ठीक हो जाएगी, अब उनको घर ले जाएगी, यू कैन टेक केयर ऑफ योर मदर। गीता, 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 मेरे पास, गीता, गीता। यार मैं माफी तो मांग रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, पैर पड़ूँ तुम्हारे? अरे जवाब नहीं है विक्रम, इतना सब कुछ होने के बाद तुम चाहते कि मैं रुक जाऊं? क्यों रुकूं मैं बता? तुम्हारे DNA टेस्ट का रिपोर्ट आने वाला है ना, तो शायद तुम्हें पंजीक बैग की जरूरत पड़ेगी। गीता, अगर अगर तुम चली गई ना तो क्या ठीक नहीं होगा? इसे ठीक कहाँ होता है मेरे साथ, बताओ। लिसन टू मी, तुम्हारे पनिशमेंट सहने के लिए मैं और रुकने वाली नहीं हूँ कर्नल विक्रम। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हटो मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो, हटिए। अच्छा मैं अरे आप दोनों को मैंने कुछ काम कहा था ना, वो रख दिया वहां पर। कॉटन गीता, गीता, आई नो आई वाज रॉन्ग, स्टिल इन द रॉन्ग, वी हैड अ गुड लाइफ, वी डिड एंड यू स्पॉइल्ड इट। अच्छा मृदुल के बारे में सोचो, वो क्या करेगा एक बार तुम चली गई तो? बच्ची की जिंदगी में अगर तुम्हारी जगह किसी और बेजान चीज को रखा जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे के दिल में क्या सोचता है, क्या कहता है, कुछ समझते हो तुम? सारी जिंदगी में इस अफसोस के साथ रहना, इसकी जिंदगी में तुम उसमें कमले हो। Thank you.
माइंड में भी नहीं है यार. I'm just saying. इतनी जल्दी कैसे हो गया ये सर? ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? कौन है ये लोग? मम्मी जी के दोस्त हैं. ऐसा लगता है कि मम्मी जी की कदर हमसे ज्यादा ये लोग करते थे. We'd like to thank everyone for coming here today. आज आप सब यहाँ पर इसलिए नहीं आए क्योंकि अम्मा बहुत मशहूर थी, बल्कि इसलिए आए हो because she was all heart, all love, and all laughter. एक बार जब मेरे हस्बैंड विक्रम ड्यूटी के लिए कन्नूरी से बाहर चले गए थे तो अम्मा ने मुझसे कहा था कि कॉलेज वाले रोड पर एक नया क्लब खुला है, चलकर कैरियोकी गाते हैं. मुझे लगा कि अम्मा का दिमाग खराब हो गया, पर उस रात 2:30 बजे तक हम किशोर कुमार के गाने गाते रहे, डुएट्स भी. इतनी एम्बैरस हुई थी मैं, लेकिन उससे ज्यादा मजा भी कहीं नहीं आया. अम्मा ने कहा था कि एक दिन फिर हम कभी चलेंगे, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया. आज अगर वो यहाँ पर होती तो किसी को रोने नहीं देती, वो चाहती कि सब यहाँ से हंसते हंसते जाए. उनकी वॉडका, उनके गाने, उनका जज्बा और सबसे ज्यादा उनकी स्पेशल चाय. इसलिए सोनाली और मैंने ये फैसला कर लिया कि आप सबके लिए उनकी स्पेशल चाय बनाएंगे. That would be the best way to remember. फिर क्या? तब फिर मम्मी जी तो रही नहीं, तब फिर चाय मुझे अकेले पीनी पड़ेगी. तेरी सबसे पुरानी कस्टमर नहीं रही ना? अच्छा सुन, तूने हिसाब किया कि नहीं? पैसे बाकी हो तो बता देना, मैं विक्रम भैया से बोल के दिलवा दूंगी. मम्मी जी ने मुझे लाइफ में पैसे से भी इम्पोर्टेंट चीज दी है, तू शादी करेगी मुझसे? शादी देखना क्या. अम्मा के फोटो के यहाँ पाए गए, कौन है? पप्पू होगा शायद, पता नहीं. पप्पू? उसको क्या लगता है मजाक हो रहा है यहाँ पे? ठीक है भाई यार, किसी का अपना अपना तरीका होता है प्यार दिखाने का. हाँ, और तुम लोग का तरीका होता है कि हर बात चुटकुलों में कहो. सुधर जाओ यार. भैया फूल ला था, 2 दिन में मुझे आ जाते हैं. This will only get better with time. और वो मकान वाली बात? That's not going to get better with time. भैया झगड़े सबके होते हैं. जो बात को पकड़ के बैठा रहता है दुख उसके पास रह जाता है. पप्पू को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसने कल रात कितनी पी थी. भैया वो कोई लॉयर आए हैं, अंदर है. आप मिस्टर विक्रम राणावत हैं? मैं एडवोकेट शर्मा. ये मेरे भाई हैं समर. आपकी मदर ने आप लोगों के लिए एक विल बनाई एंड शी वांटेड इट टू बी रेड आउट एट अ फ्यूनरल. आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे? Mm-hmm.
मैं श्रीमती प्रेमलता राणावत, स्वर्गीय श्री रणदीप सिंह राणावत की धर्मपत्नी, जिसका जन्म 14 अगस्त 1932 को हुआ था, यह तय करती हूँ कि मैं इस वसीयत को अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ और इस वसीयत को लिखते वक्त मुझ पे किसी का दबाव या प्रभाव नहीं है। मैं अपना घर, अपने सेविंग्स अकाउंट का सारा पैसा अपने पोते मृदुल राणावत के नाम करती हूँ। यह सारी संपत्ति मेरी अपनी है और मेरे परिवार के किसी और सदस्य का इस पर कोई हक नहीं है। इसके अलावा मैं श्री शशिकांत शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि इस विल के एग्जीक्यूटर बनके इसको मेरे परिवार तक पहुंचाए। वैसे प्रेमलता जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो आज ही पढ़ी जाए। So, Ranaut party is still on. I'm sorry, मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती। इन्होंने बुला लिया और अपने पापा को तो तुम जानते ही हो। मेरे बिना उनका मन ही नहीं लगता। Don't worry, मैं chill कर रही हूँ। बस एक चीज को मैं बहुत मिस करूंगी, मेरा घर, वो घर जिसमें मैंने अपने लाइफ के 50 साल बिताए हैं। पहले शादी हुई, फिर बच्चे, फिर उनकी शादी और उनके बच्चे। चाय की प्याली में लिपटी हुई वो हजारों दोपहरों और बोतलों से बहती हुई रंगीन शामें, हर दिन, हर त्योहार, हर साल। आई नो ज्यादा सेंटी हो गया, लेकिन आज अलाउड है ना। देखो अभी गीता रो रही होगी और विक्रम टफ बनने की एक्टिंग कर रहा होगा। बिम्मी करके अपनी चुन्नी से खेल रही होगी और मुरारी बिम्मी को देख के सेंटी हो रहा होगा। समर और सोनाली को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि उन्हें इमोशन से डील करने का यही तरीका आता है। वैसे अगर तुम लोग ये लेटर सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं बड़ी फिल्मी तरीके से गई हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना लंबा जीऊं कि तुम मेरी चाय में कुछ मिलाने का प्लान करो। बट नाउ इज द टाइम फॉर वन लास्ट हुरा। मेरी मौत को नहीं, मेरी जिंदगी को यादगार बनाओ। कहते हैं दिवाली पे जलाया हुआ एक दिया पूरे अंधेरे को मार देता है। अगर एक बार मेरा पूरा परिवार दिवाली पे इकट्ठा हो जाए तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी और मैं तो किसी हाल में उसे मिस नहीं करने वाली। सी यू। अब क्या हुआ, कुछ कहना है? प्लीज डोंट स्पॉइल दिस मोमेंट। आई वांट टू टेक दिस मोमेंट भैया। आई एम रियली सॉरी भैया। अभी नहीं। आई एम रियली सॉरी भैया। आप बिना बताए मेरी जगह चले गए। एक बार पूछ तो लिया होता, बिना बताए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया। बता के थोड़ी करते हैं सैक्रिफाइस। यू वर नॉट अप टू इट, सो आई वेंट। आपने मेरे लिए क्या क्या किया? यू माइट नॉट नो दिस समर, बट दैट्स व्हाट फैमिली इज फॉर। ओके, एंड इट्स नॉट कॉल्ड सैक्रिफाइस। जब से पता चला भैया, आई जस्ट कांट ब्रीथ।
I wish I could say sorry enough times. I wish I could undo what I did, but I can't. पर आप मुझे माफ कर दो भैया, वरना आपका सैक्रिफाइस बेकार जाएगा। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जो बोलूंगा तुम करोगे? हाँ। कनौरी का फेमस खड़ूस हूँ मैं। सोच लो। मैं तैयार हूँ भैया। तुम्हारे ढाबे में मुझे खाना खिला। ढाबा नहीं है रेस्टोरेंट। हाँ आप बताएं। अम्मा रुकी नहीं, चल। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं सोनाली, तुम कब सो रही हो और कब नहीं इतना तो बता ही सकता हूं। We know each other so well, right? I'm sorry that I took that away from us. मैं जानता हूं कि ना तुम मेरी शक्ल देखना चाहती हो और ना मेरी आवाज सुनना चाहती हो, but today I don't care. I have to tell you something. I want you to know. The only person I've ever loved. I love you. And I will always love you. Thank you.
What? Huh? अद्दू, तुझे लगता है कि तेरा और मेरा भी सीन बन सकता है? शशि, हाँ? अच्छा सुन, हाँ? अगर पूरी दुनिया खत्म हो रही हो, हाँ? और सिर्फ तू और मैं बचे हो, हाँ? और अगर दुनिया को फिर से पॉपुलेट करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ करना पड़े, हाँ? तो भी नहीं। But what if तू लड़कियों से बोर हो जाए एक दिन, हाँ? शशि, मैं कभी बोर नहीं होने वाली, trust me. You know what, Adu? I think you're not really attracted to me. शशि, one sec. You think? Duh. Fine. जा सुमरन, जी ले अपनी जिंदगी. Oof. Thank you, Shashi. Like, तेरे परमिशन के बिना तो मैं सुसु भी नहीं करती। सुसु से याद है यार, सुबह से रोक के रखी हाँ। Okay, मैं जाता हूँ। Go. Don't we know each other from somewhere? I thought so, but apparently not. Twist of line? Thanks, Summer, but I'm really done with the twists. Sonali, क्या करना पड़ेगा? It's not that easy. I'm not saying it is. I was just hoping that we could work through the difficult. I just need one chance, Sonali. Jo bhi tum kaho. Tumhe shaadi se break chahiye, you want to start afresh, anything you want. Because this distance between us, it's killing me. I know I want to be with you. I can't ask you to be with me. So it's all up to you. सुनो, मेक द कॉल। फुलझड़ी लग रही हो वैसे। बात है जो मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं। क्या? वो जब मैं द्रास गया था, वो कॉल मिलने नहीं आया था। वो आपके लिए नहीं आया था? मैंने समर के लिए आया था। वो उस वक्त he was not ready for the army, he was not interested. ऐसे में उसके लिए थोड़ा मैं डेंजरस, तो मैं चला गया। मैंने किसी को बताया नहीं। ड्रेस में आपका कब बैज? समर को पता है? हाँ, समर को पता। पता नहीं कैसे पता, पर उसको पता है। पप्पू की भाषा में छड़ यार। लेटर आया है।
मम्मी मृदुल कहाँ है? तुमको पता है इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि तुम मेरे बेटे हो या नहीं। This can change our lives. तुम सबको देखते हो चुपचाप, जब सब लोग खुश होते हैं तो तुम खुश हो जाते हो। कोई रोता है तुम रात भर सोते नहीं हो। मम्मी के मूड स्विंग्स को पहचानते हो? आई होप ये सब तुमने अपने पापा से सीखा। I know. I have not given you enough. And after this, I don't know if I would get another chance. But I want to say I love you. Will always.
कहते हैं दिवाली पे जलाया हुआ एक दिया पूरे अंधेरे को मार देता है। अगर एक बार मेरा पूरा परिवार दिवाली पे इकट्ठा हो जाए तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पार्टी होगी और मैं तो किसी हाल में इसको मिस नहीं करने वाली।